दोस्तों आप सभी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। आखिर परीक्षा होगी कब? तो फाइनली अब आपका इंतजार खत्म हो गया है। तो चलिए देख लीजिए रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा कब से शुरू होगी, कितने दिनों तक होगी। साथ ही आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी का भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप एग्जाम डेट से संबंधित देख लीजिए, ग्रुप डी की परीक्षा कब से शुरू होगी। आप सभी वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, फरवरी 2019 में ही भर्ती आई थी और अभी तक ये परीक्षा नहीं लिया गया है। तो अब फाइनली परीक्षा का इंतजार आप लोगों का खत्म हो गया है। यहाँ पर आप हिंदुस्तान का न्यूज़ देख लीजिए, यहाँ पर आप न्यूज़ देखिएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा के बाद रेल मंत्रालय में भर्ती की कवायद तेज कर दी गई है। और इसके तहत भारतीय रेलवे में तो पहले से यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है उन सभी को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। और आप सभी नई भर्ती का भी इंतजार कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन की भर्ती आखिर आएगी कब? तो फाइनली अब आपका नई भर्ती को लेकर भी जल्द ही इंतजार खत्म हो जाएगा। और जो पहले से भर्ती दिया गया अभी तक पेंडिंग है उसको भी अब जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा और अगले 1 साल में पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। अगले साल तक ज्वाइनिंग की प्रक्रिया ये सब हो जाएगा। बाकी चीज़ें यहाँ पर देखिएगा तो इसके तहत भारतीय रेलवे में ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी के 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए जुलाई से देश भर में कई चरणों में परीक्षा शुरू होगी जो सितंबर तक समाप्त हो जाएगी। तो सितंबर से आगे भी जा सकता है, अक्टूबर तक भी परीक्षा जा सकता है। और ये परीक्षा जो है अलग अलग फेज में होगी, जिस तरह से एनटीपीसी का 7 फेज में एग्जाम हुआ था इसमें भी 8 से 10 फेज तक में एग्जाम हो सकता है। 10 से 15 लाख कैंडिडेट को अलग अलग करके फेज वाइज एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, उसी अकॉर्डिंग इसमें भी परीक्षा लिया जाएगा। और परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में होती है तो नॉर्मलाइजेशन भी लिया जाता है, नॉर्मलाइजेशन करके मार्क्स तैयार किया जाता है, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरिट बनता है और जो सितंबर में समाप्त हो जाएगी। बाकी चीज़ें यहाँ पर देखिए 80% से अधिक रेल पद इसमें जो है रेल संरक्षा वर्ग के है और यात्री ट्रेनों को सुरक्षित चलाने का दायित्व इन्हीं के कंधों पर होता है। टोटल पोस्ट देखिए 1,03,769 पदों पर भर्ती आई थी। तो ग्रुप डी की जब भी भर्ती आती है तो इसमें अच्छा खासा सीट रहता है। फरवरी 2019 में ही भर्ती आई थी, उस समय कहा गया था कि सितंबर 2019 में एग्जाम ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया का एग्जाम नहीं लिया गया। फाइनली अब आपका इंतजार खत्म हो गया है, जुलाई लास्ट से इसका एग्जाम शुरू किया जाएगा और जल्द ही यहाँ पर ऑफिशियल शेड्यूल भी आ जाएगा। तो ये नहीं है कि बहुत पहले दिया जाएगा, हो सकता है कि जून लास्ट तक इसका शेड्यूल आ जाएगा कि जुलाई लास्ट से हम परीक्षा शुरू करेंगे। तो जुलाई लास्ट अंतिम सप्ताह से परीक्षा बिल्कुल शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जो भी पढ़े हैं उसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए। आगे आप लोगों को भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन दिखाएंगे, कैसे क्या इसमें सिलेक्शन होता है, फिजिकल में कितना क्या दौर होता है, ये सब चीज़ें तो और आपका डॉट क्लियर हो जाएगा। और देखिएगा जुलाई अंतिम सप्ताह में शुरू करना तय हुआ है कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी, तो इसमें ऑनलाइन एग्जाम ही लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किस विषय से कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे नोटिफिकेशन दिखाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखा गया 1/3, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव अटैम्प्ट नहीं करना है, जिसका आंसर पता हो वही अटैम्प्ट कीजिएगा। और निगेटिव देखिएगा तो बहुत अधिक है, 1/3 है। और बाकी चीज़ें यहाँ देखिएगा तो जून 2023 तक नियुक्ति ग्रुप डी में प्रमुख रूप से संरक्षा से जुड़े कर्मचारियों की भर्ती होगी। और इसमें पोस्ट नेम देखिएगा तो गैंगमैन, कीमैन, हेल्पर, खलासी, लाइनमैन, सिग्नल, ट्रैकमैन आदि ये सब पोस्ट है। और इसकी जो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था फरवरी 2019 में, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। तो फाइनली अब आपका इंतजार खत्म होने जा रहा है। बाकी यहाँ पर और चीज़ें देखिएगा तो सभी श्रेणियों में 1,48,000 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें 1,03,000 जो है ग्रुप डी का पोस्ट है, बाकी एनटीपीसी का भी यहाँ पर 35,000 सीट है। तो सभी मिलाकर के और भी पोस्ट पर भर्ती आई थी तो सभी मिलाकर यहाँ पर 1,48,000 ये पेंडिंग है। और खाली सीट देखिएगा तो इतना यहाँ पर पोस्ट खाली है, 3,01,414 रेल कर्मियों का पोस्ट खाली है, जिसमें यहाँ पर ऑफिसर लेवल का 2519 सीट खाली है। ये 1 फरवरी 2022 का आंकड़ा है। अब चलिए यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिए, फिर और आप लोगों का जितना भी डॉट है सभी क्लियर हो जाएगा। ये जो है ग्रुप डी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन RRC 01/2019 फरवरी 2019 में 1,03,000 यहाँ पर आप टोटल सीटों की संख्या देखिएगा तो 1,03,769 यह टोटल सीट हो गया। बाकी यहाँ पर चीजें देखिएगा तो यहाँ पर जो होगा आवेदन में जो भी आप जानकारी देते हैं उसी अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा सारा कुछ। और यहाँ पर मेन चीज देखिएगा तो परीक्षा का चरण, यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगी और रेल प्रशासन को एकल अथवा बहुस्तरीय पद्धति में सीबीटी का आयोजित कराने का अधिकार है। बुलावा पत्र यहाँ पर जारी होगा एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर, नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा और इसके बाद फिजिकल टेस्ट भी होगा। तो फिजिकल टेस्ट के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, निगेटिव मार्किंग 1/3 है। अब चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए कैसे क्या इसमें सिलेक्शन होता है, इसके बारे में यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। 14वें नंबर पॉइंट पर भर्ती प्रक्रिया के बारे में दिया हुआ है, एक बार ऑनलाइन आवेदन इसमें करना होता है। और अगर आप नए छात्र हैं तो भी आप देख लीजिए कैसे क्या सिलेक्शन होता है, फिर आपका ये भी डॉट क्लियर हो जाएगा जब नई भर्ती दी जाएगी।
तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहला जो चरण होता है, जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं सभी का एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, और इसके बाद कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT परीक्षा लिया जाता है, इसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, और फाइनल मेरिट लिस्ट CBT एग्जाम में मार्क्स के आधार पर तैयार किया जाता है। अब कंप्यूटर आधारित टेस्ट में किस विषय से कितना क्या क्वेश्चन रहेगा, तो 90 मिनट 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। समय इसमें आप कहिएगा कि बहुत अधिक है, बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि मैथ इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। साइंस से देखिएगा 25 क्वेश्चन है, गणित से 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग से यहाँ पर 30 क्वेश्चन होगा, और GK से 20 क्वेश्चन। यहाँ पर GK और करेंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, वेटेज जो देखिएगा साइंस और मैथ सेक्शन का ही है। रीजनिंग जिसमें 30 हो गया, इसके बाद 25 क्वेश्चन हो गया मैथ से, और 25 क्वेश्चन हो गया साइंस से। अगर आप ये तीन सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो 80 क्वेश्चन आपका हो गया, और इस 80 में से अगर आपका 70 भी क्वेश्चन सही हो जाता है, 65 भी सही हो जाता है, और GK में 5 से 7 भी क्वेश्चन सही हो जाएगा, लगभग आप 70 क्वेश्चन 100 में से बना लीजिएगा तो बिल्कुल आपका 100% मेरिट बन जाएगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है, और क्वेश्चन आसान नहीं रहता है। आप कहिएगा कि ग्रुप डी का एग्जाम है तो बहुत आसान रहेगा, इसमें साइंस का बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन पूछा जाता है, गणित में भी अच्छे लेवल का ही क्वेश्चन रहता है, और रीजनिंग भी बहुत आसान नहीं रहता। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी निगेटिव मार्किंग देखिएगा तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है, अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 आपका सही का मार्क्स कट हो जाएगा, निगेटिव मार्किंग भी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिएगा टॉपिक वाइज देखिएगा तो गणित का पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ, जो भी टॉपिक है इसको अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। खास करके आपको यहाँ पर सांख्यिकी, प्रायिकता, ये सब टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, परमुटेशन, कम्बिनेशन, ये सब टॉपिक से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद रीजनिंग में देखिएगा तो रीजनिंग में आपको कथन निष्कर्ष से बहुत अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से मिलाकर के 25 क्वेश्चन रहेगा, और ये 10वीं 10th लेवल का ही पूछा जाता है। साइंस में आपको फॉर्मूला जरूरी याद रखना है, फॉर्मूला पूछा जाएगा और मात्रक पूछा जाएगा, जैसे पूछ दिया जाएगा त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर साइंस में पूछा जाता है। और इसके बाद देखिएगा समसामयिक विषयों पर सामान्य जानकारी, इसमें 20 क्वेश्चन है, इसमें से लगभग 6 से 8 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा जाता है, बाकी 1-2 करके यहाँ पर आपको अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। GK में इसमें बहुत अधिक वेटेज नहीं है, 20 ही क्वेश्चन है, 20 में से 6 से 8 तक करेंट अफेयर से ही पूछ दिया जाता है, और बाकी जो सब्जेक्ट हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इससे 1-2 करके क्वेश्चन मिला करके टोटल 20 पूछा जाता है। अब आपका जो भी मार्क्स रहेगा तो टोटल यहाँ पर 1,03,000 सीट है, तो 1,03,000 का यहाँ पर 3,00,000 से 3,25,000 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, 3 गुना अभ्यर्थियों के। इसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बारे में यहाँ पर आप देख लीजिए, फिर और क्लियर हो जाएगा आपको। फिजिकल के बारे में यहाँ पर आप देखिएगा तो सबसे पहले पुरुष उम्मीदवारों के लिए है, तो इसमें जो है वजन उठाना भी पड़ता है, क्योंकि आप देखिएगा ग्रुप डी का जो जॉब होता है इसमें ट्रेन स्टेशन पर वजन उठाने से रिलेटेड भी रहता है, ड्राइवर का जो बक्सा रहता है उसको ले जा करके दूसरे डब्बे में ले जाना भी पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर इससे रिलेटेड भी काम रहेगा आपका। गुड्स गार्ड का जो डब्बा रहता है, बक्सा रहता है, उसमें सारा कुछ कागजात और जो भी इम्पोर्टेंट टूल्स है सभी दिया हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पर वजन का कंडीशन रखा गया कि 35 kg वजन को उठा करके आपको 2 मिनट में 100 मीटर तक चलना है, तो ये बहुत टफ नहीं है। कई जगह पर क्या होता है कि बेंच पे दिया हुआ रहता है जिसपे आप आसानी से, बालू का बोरा रहेगा 35 kg का, उसको आप आसानी से कंधे पर उठा करके या फिर आप माथा पर भी उठा करके ले जा सकते हैं, 100 मीटर तक ले जाना है, लेकिन कहीं गिरना नहीं चाहिए, तो इसमें आप सावधानी से लीजिएगा तो बिल्कुल कहीं गिरिएगा नहीं, और ये आसानी से आप पार कर लीजिएगा। मेन जो होता है दौड़ ही होता है, दौड़ के लिए आपको थोड़ा बहुत तैयारी करना पड़ेगा, 1000 मीटर की दूरी है, 4 मिनट 15 सेकेंड में। महिला अभ्यर्थियों के लिए 20 kg का वजन 100 मीटर तक ले जाना है 2 मिनट में, समय सेम ही है, बस वजन कम कर दिया गया, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 1000 मीटर की दूरी 5 मिनट 40 सेकेंड में, तो महिलाओं के लिए समय अधिक है, तो यानी फिजिकल आप आसानी से पास कर दीजिएगा अगर आप दौड़ का थोड़ा बहुत तैयारी कर लेते हैं तो। इसके बाद फिजिकल पास होने के बाद आपका लिखित परीक्षा यानी ऑनलाइन परीक्षा में जो भी मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, और नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको सारा कुछ समझ में आ गया। मूल बातें ये है दोस्तों कि जुलाई से परीक्षा शुरू हो रही है, जुलाई लास्ट वीक से परीक्षा शुरू की जाएगी, और इसी महीने के लास्ट तक ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका शेड्यूल भी आ जाएगा, और ये परीक्षा अक्टूबर तक चलेगी, लगभग 4 महीने परीक्षा चलेगी। अब आपके पास लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है, तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए, जो भी आप पढ़े हैं मैथ रीजनिंग को अच्छे से रिविजन कर लीजिए,
क्योंकि आपका मेरिट जो बनेगा मैथ रीजनिंग में मार्क्स के आधार पर ही यहाँ पर मेन रूप से दिखेगा, तो सबसे अधिक मैथ रीजनिंग का ही वेटेज है और अच्छा मार्क्स आप इसी में ला सकते हैं। करेंट अफेयर से 20 क्वेश्चन है तो इसमें हार्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप मैथ रीजनिंग का अच्छा तैयारी कर लीजिएगा 55 क्वेश्चन है और 25 साइंस है, इस तरह से 80 क्वेश्चन होगी। 80 में से अगर आपका 65 क्वेश्चन भी सही हो जाएगा और जीके में 5 से 7 भी क्वेश्चन सही हो जाएगा, लगभग 70 क्वेश्चन बना लीजिएगा, आसानी से आपका मेरिट बन जाएगा।